नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे हम सीपीसीटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, यानी कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यदि आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हर एक जानकारी होना चाहिए। और मैंने देखा है कि यूट्यूब में सर्च करके मैंने भी काफ़ी देखा वीडियो, तो उसमें कोई भी वीडियो मुझे ऐसी नहीं मिली जिसमें सटीक तरीके से जानकारी हमें मिल सके, अवेलेबल हो सके, ऐसा मैंने कोई वीडियो नहीं देखा वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि सच में आपके समझ में आए और एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो देखिए सीपीसीटी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सीपीसीटी के दो सेक्शन होते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहला फर्स्ट सेक्शन जो होता है, इसमें 75 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसको हम MCQ बोलते हैं। ठीक है, MCQ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके, 75 मार्क्स के। MCU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टी चॉइस यानी आपके सामने विकल्प दिए होंगे, उनको आपको चयन करना है और फिर जैसे ही आप चयन करते हैं तो वो सही गलत आपको बाद में पता चलता है कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, तो MCQ के 75 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर जो है आपके डिसाइड रहते हैं टाइपिंग बेस पे। तो सेक्शन 2 में देखेंगे हम टाइपिंग में क्या है। ठीक है, टाइपिंग किस तरीके से कराई जाती है आपको मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये समझ में आया होगा आपको कि सेक्शन फर्स्ट में आपको MCQ से 75 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। तो इनके टॉपिक देखिए कौन कौन से टॉपिक से आते हैं आपके। सबसे पहले कंप्यूटर, जो सामान्य कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर फंडामेंटल या कंप्यूटर की जो थ्योरी होती है, इससे आपके 52 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसमें देखिए आपके 52 क्वेश्चन बनते हैं और देखिए इसमें पास होने के लिए सिर्फ 38 मार्क्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, 38। तो यदि आप कंप्यूटर की तैयारी बस भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कंप्यूटर की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन से। इसके बाद आता है दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन। एक पैसेज होता है जिसे हम हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। ये इस पैसेज से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन उस पैसेज के दिए जाते हैं। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस रहती है कि हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल अपने आपको समझते हैं उस लैंग्वेज से आप उस पैसेज को पढ़ करके उनके आंसर दे सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं, 5 क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। इसके बाद आता है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 6 क्वेश्चन, यानी ये नॉर्मल मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखो कई वीडियो में बताया जाता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको करना होता है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए इसका आपको मतलब बताता हूँ मैं कि क्या होता है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैथ से क्वेश्चन आएंगे या गणनात्मक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मात्रात्मक क्वेश्चन आएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है मात्रात्मक रुझान, ठीक है, या मात्रात्मक योग्यता, यानी कि गणना संबंधित और फॉर्मूले थ्योरी और टेबल से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, साफ साफ हिंदी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, इसको समझिए कि इसमें गणना संबंधित और फॉर्मूला और थ्योरी और इसके अलावा टेबल से जुड़े प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण। ये आपने सुना होगा रीजनिंग सब्जेक्ट होता है एक, जिसमें तर्क शक्ति परीक्षण टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता, और रीजनिंग मीन्स आपको पता है तर्क शक्ति परीक्षण। इसमें से टोटल आपके 6 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता या करंट अफेयर्स जिसको हम बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, करंट अफेयर्स को बोल सकते हैं। इससे हमारे आते हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत कहाँ पर है, 52 क्वेश्चन में, ये कंप्यूटर वाले में। ठीक है, इनमें भी ध्यान दीजिए, आप इनको भी पढ़िए। ठीक है, इनमें पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कम फंसेंगे परीक्षा में। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के ज़्यादा चांस हैं तो आप इसी से पास हो सकते हैं। इसके बाद देखिए सेक्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जिस तरह से MCQ वाले पार्ट में 75 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है दोस्तों, और इसमें 75 क्वेश्चन के साथ 75 मिनट दिए जाते हैं आपको। 75 क्वेश्चन करना है आपको 75 मिनट में। ठीक है, 75 क्वेश्चन 75 मिनट दिए जाते हैं आपको। इसके बाद देखिए हर एक क्वेश्चन एक मार्क का होता है, एक मार्क का एक क्वेश्चन होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, डरने वाली बात नहीं है। और एक ज़रूरी बात मैंने पहले भी बताया कि इसमें क्वालिफाई होने के लिए आपको 38 मार्क्स की ज़रूरत होती है। जैसे ही आपका फर्स्ट सेशन एंड होता है 75 मिनट का, उसके बाद एक मिनट का रेस्ट दिया जाता है, यानी एक मिनट का ब्रेक दिया जाता है आपको। एक मिनट के बाद मॉक इंग्लिश टाइपिंग होती है। मॉक इंग्लिश टाइपिंग का मतलब होता है दोस्तों 5 मिनट की कीबोर्ड की
चेक करने के लिए या कीबोर्ड को देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, इस दौरान कोई दिक्कत आती है तो आप एग्जाम ड्यूटी ऑफिसर को बता सकते हैं कि भाई ये दिक्कत है। तो ये 5 मिनट का टेस्ट आपको दिया जाता है कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। नया नया कीबोर्ड होता है तो उसमें हमें थोड़ा अलग लगता है, जो जिस कीबोर्ड में हम प्रैक्टिस करते हैं वो कीबोर्ड हमें अच्छा लगता है, उसी कीबोर्ड में हमारी स्पीड ज़्यादा आती है, राइट। इसलिए 5 मिनट आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं कि आप थोड़ा हाथ उसमें चला लें। इसके बाद फिर से 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, आप मतलब प्रैक्टिस किए। सबसे पहले देखो 75 मार्क्स के ये क्वेश्चन सॉल्व किए आपने, इसके बाद 1 मिनट का ब्रेक मिला, फिर 5 मिनट का आपका मॉक टेस्ट हुआ टाइपिंग का। देखिए सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग कराया जाता है, 5 मिनट के मॉक टेस्ट के बाद आपकी 15 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपकी स्पीड रहना चाहिए 30 नेट वर्ड पर मिनट, ठीक है। 30 नेट वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। इंग्लिश टाइपिंग एंड होने के बाद दोस्तों आपको 3 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, ठीक है। कितने मिनट का? 3 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, और इसके बाद फिर से एक 10 मिनट का मॉक टेस्ट होता है आपका। मॉक टेस्ट 10 मिनट का होता है, ये क्यों होता है? ताकि आप हिंदी कीबोर्ड जो है, हिंदी टाइपिंग भी की भी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आपकी स्पीड देखा जाएगा। तो 10 मिनट का जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 10 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद आपको हिंदी टाइपिंग करने को दे दिया जाएगा 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में आपके 20 नेट वर्ड पर मिनट आना चाहिए आपके यहाँ पर 20, और इंग्लिश टाइपिंग में 30, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यदि आप थ्योरी में पास भी हो जाते हैं और टाइपिंग में 1 अंक से भी पीछे हो जाते हैं या 2-4 वर्ड से भी पीछे हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो थ्योरी की इतनी दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो मेन मेन टॉपिक हैं वो यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना जाए आगे पढ़ने में। कंप्यूटर के मेन मेन टॉपिक जैसे आपको तैयारी करना है, पहला एमएस ऑफिस, ठीक है। एमएस ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसी में वर्ड एक्सेल वगैरह आ जाता है, उसी में शॉर्टकट की वगैरह आ जाती है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा मेमोरी का है, मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट आपको पढ़ना है विंडो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका पेरिफेरल्स डिवाइस, इसके बाद पांचवा टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। इसके बाद छठवां टॉपिक देखेंगे आप इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सातवां टॉपिक आ जाता है हमारा फुल फॉर्म, फुल फॉर्म का मतलब जैसे कीबोर्ड कंप्यूटर की जो भी बहुत सारी जैसे रैम है, रोम है, ऐसा आपको जितने भी शॉर्टकट नाम दिए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर को ही पीसी बोलते हैं हम, तो इनका फुल फॉर्म आपसे आना चाहिए। इसके बाद आठवां टॉपिक आ जाता है शॉर्टकट की का, नौवा टॉपिक आ जाता है आपका फंक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से फंक्शन की से आपके 5 या 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, और फंक्शन की ओनली 12 होती हैं, 12, ठीक है। और इसके बाद सबसे इजी टॉपिक जो है 10वें नंबर में इनपुट और आउटपुट, इनपुट इनपुट आउटपुट का मतलब सिर्फ इनपुट आउटपुट नहीं, इनके जो डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनकी तैयारी भी आप अच्छे से करेंगे तो आप 38 नंबर लाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतने इतनी तैयारी भी कर लेते हैं आप तो 38 नंबर आपके आराम से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें लेकर के आने वाला हूँ मैं आपके लिए सीपीसीटी का जो सिलेबस है उसको, और जो नोटिफिकेशंस आती हैं उनके बारे में मैं समझाऊंगा कि वेबसाइट से आप कैसे फॉर्म को अपना फिल कर सकते हैं, कैसे आप एग्ज़ाम फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। आप घर बैठे भी सीपीसीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे करके आ सकते हैं। एग्ज़ाम देने आपको जाना पड़ेगा, घर से ही नहीं दे सकते आप, एग्ज़ाम सेंटर जहाँ भी आता है आपको पता चल जाता है।